Hey, what's up guys? Pokemon Gaming की और वीडियो में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, अगर आपने पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने जिम में सारे ट्रेनर्स को हरा दिया था जो छोटे मोटे ट्रेनर्स आते हैं बीच में, और अब हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं जिम लीडर ब्रॉक को। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा साइनअप कर लेते हैं, अपने जो पोकेमॉन मिल रहे हैं वो ले लेते हैं। ये कौन सा पोकेमॉन है? स्नोम। आई थिंक इसका कोई इवॉल्व फॉर्म नहीं है और ये एक आइस और बग टाइप पोकेमॉन। कोई बात नहीं, फिर भी फ्री में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो गाइस, अब चलो चलते हैं जिम में। आ चुके हैं हम लोग जिम में। अब हमें जिम लीडर को चैलेंज करना था, बाकी सबको तो लगता है आई गेस हमने हरा दिया है। ओके, तो हमने यहाँ पे सबको हरा दिया। नहीं, ये लेडी बच गई। कोई बात नहीं, इनको भी हरा देंगे, इनसे फाइट करते हैं और फिर आगे ही शायद से जिम लीडर ब्रॉक है। ब्रॉक द जिम लीडर। तो लेट्स सी ब्रॉक के पास कौन कौन से पोकेमॉन होंगे। कोई भी पोकेमॉन गाइस हम लोग पक्का उसको हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो पोकेमॉन है माचोप है, चार्मेलियन है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है हमारे पास। एम्बर यूज करते हैं। ओके, तो इफेक्टिव तो है पर इतना नहीं। पॉइजन गैस, बस ये ही नहीं चाहता था मैं। एम्बर यूज करते हूँ वापिस। कम से कम चार्मेलियन इसको तो मार दे। मार दिया चार्मेलियन ने एक ही अटैक में। ओके, तो ड्रिगलेट है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग। एम्बर यूज करेंगे ऑब्वियसली, हमारे पास कोई और अटैक है नहीं अच्छा ड्रिगलेट के अगेंस्ट। ओके, तो सुपर इफेक्टिव गाइस, सुपर इफेक्टिव। उसके ऊपर बर्न भी चढ़ गया आई गैस। वापस से एम्बर यूज करते हैं। एंड नाइस, इट वाज सुपर इजी बैटल। मेरे को लगा था कि हमारा चार्मेलियन चला जाएगा, बट हमारे चार्मेलियन ने अकेले ने मार दिया उन दो पोकेमॉन को। तो चलो अब जिम लीडर को चैलेंज करते हैं। वेट गाइस, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई इवेंट खुले हैं ये। वो पता नहीं कैसे यहाँ पे क्या है। तो गाइस, जो तुम में से गेम खेलता है ये और जो बहुत आगे लेवल पे, वो मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस, हमारी जिम बैटल स्टार्ट होती है। लेट्स सी ब्रॉक का पहला पोकेमॉन है यूडूड एंड हमारे चार्मेलियन। एम्बर यूज़ करेंगे। ओके, तो गाइस ब्रॉक के पोकेमॉन का लेवल ज़्यादा है, 17 है, और हमसे चार लेवल ज़्यादा है, तो हमें दिक्कत तो हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनका लेवल होगा उनके HP भी ज़्यादा होगी और उनकी अटैक पावर भी ज़्यादा होगी। तुम लोग देख ही सकते हो, उसने एक अटैक मारा और हमारा चार्मेलियन गया। ओके, तो अब मेरे को लग रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाली है। लेट्स सी। ओके, तो गाइस दिक्कत की बात नहीं है, उसके पास सिर्फ दो ही पोकेमॉन है, और जैसा कि अगर उसका पहला पोकेमॉन जियोडूड है तो दूसरा पोकेमॉन ऑब्वियसली ऑनिक्स होगा। तो गाइस यहाँ पे दिक्कत तो है। अब हमारे सिर्फ एक पोकेमॉन है और ब्रॉक के दो पोकेमॉन बचे हुए हैं। कराटे चॉप यूज़ करते हैं। ओ थैंक गॉड गाइस, पहला मूव हमारा था। तो गाइस अब बारी उसके ऑनिक्स की। कराटे चॉप हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे इतनी HP नहीं गई। कराटे चॉप वापस यूज़ करते हैं। ऑनिक्स टैकल ही कर रहा है, टैकल से हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नाइस गाइस, नाइस। ओ फाइनली गाइस, हमारा लग अच्छा इस गेम में भी। गाइस हमारे अकेले माचअप ने उस जिम लीडर के दो पोकेमॉन मार दिए। तो गाइस जैसे सीरीज में होता था सेम वही हुआ। ब्रॉक के फादर आए, उन्होंने उसको बताया कि तुम अभी स्ट्रांग नहीं हो, तो जाओ अपने आप को ट्रेन करो। नाइस, हमारा लेवल भी बढ़ गया। ग्लैड टू मीट यू, यू हैव द इनफ स्ट्रेंथ एंड थैंक्स टू लेट माय फादर रिटर्न टू जिम। ओके यार, कितना चमक रहा है ये बैच। बोल्डर बैच गाइस बैच का नाम है, और ये हमारा पहला जिम बैच है। और ऐसे गाइस हमें टोटल 8 जिम बैच क्रैक करने हैं, उसके बाद हम लोग लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टी। तो मिस्टी ने यही बोला कि कांग्रेस फर्स्ट जिम बैच को, जैसे ही तुम जिम लीडर्स को हराओगे तुम्हें जिम बैचेस मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक ऑफ योर बैच यू कैन एंड एंटर बैच पैनल टू चेक। तो चलो चेक करते यार, इतनी मेहनत की जिम बैच के लिए, इतना तो बनता है। बैच पे क्लिक तो कर दिया हमने।
नाइस। तो जैसे मैंने कहा टोटल हमें 8 जिम बैच कलेक्ट करने हैं। सुपर गुड है यार, बहुत सही लग रहा है। एडवेंचर में इलाइट खुला, इलाइट मतलब लेवल अपग्रेड हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ गाइस, थोड़ा लेवल अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे खेलने पे हमें थोड़ा डिफिकल्टी होगी क्योंकि लाइट लेवल है और हम लोग अभी तक नॉर्मल लेवल पे खेल रहे थे। तो गाइस अभी तो मैं लाइट लेवल पे नहीं खेलने वाला, अभी थोड़ा इस गेम को एक्सप्लोर कर दें, देखते हैं गेसपॉन में अगर हमें कुछ मिल जाए तो। गेसपॉन में गाइस यहाँ पे कुछ करने का है नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे। बस व्यू पे ऑप्शन है और यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने पे हमें ये सब मिल रहा है लेकिन कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा है। पता नहीं गाइस क्या सीन है, अगर तुम में से किसी को पता तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस एक और बात, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता था कि जो मेरे इंस्टाग्राम पुरानी इंस्टाग्राम आईडी पे जिस पे आप लोग मेरे को फॉलो करते थे, अब वो मैं नहीं चला था क्योंकि वो हो ही नहीं पा रही, मतलब कि लॉगिन नहीं कर पा रहा मैं या फिर कुछ उस पर प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस मैंने नई इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, तो आप लोग उस पर मेरे को फॉलो करो, मैसेज करो और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई पक्का वहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पे कैच करने के लिए गाइस पोकेमोन कैच करना है अगर आपको, तो एक ये है, ये सिंपल सा ऑप्शन है कि जहाँ इस एरिया में आप हो उस एरिया के आपको पोकेमोन दिखा रहा है, देख सकते हो गाइस। ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। जिस एरिया में आप रहोगे वहाँ पे कोई अच्छा पोकेमोन आपको ना मिलेगा ना मिलने वाला है आगे चल के भी। पूरी लीग खत्म करोगे तभी भी आपको एरिया में कोई अच्छे पोकेमोन नहीं मिलेंगे। अगर गाइस आपको अच्छे पोकेमोन चाहिए तो इसमें एक सफारी होता है वो आगे चल के आपको खुलेगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सही सही पोकेमोन मिलेंगे। सफारी जोन में जाओ और पोकेमोन कलेक्ट कर लो। ये जैसे देख सकते हो लाइट लेवल का पहला स्टेज और ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो ये आई गेस कांटो रीजन है, एस का जो पहला रीजन था, पहला टाउन से एस था तो वो जो पहला रीजन था तो उसको शायद से कांटो ही बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे देख लेते अगर हमें कुछ मिल जाए, तो नहीं मिल रहा। तो गाइस आपने सेकंड एपिसोड में बहुत सारा प्यार दिखाया, मैं बहुत खुश हुआ गाइस कि आपने मेरे को सपोर्ट किया। तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।